सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? और इधर देखो अक्षय जी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं पुचकुल को उठाऊंगी, पुचकुल को देखना हूँ कैसे उठता है। पुचकुल पुची बाय, पुची पुची उंगड़ाई ले रहे। देखो इसका ये जो बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इसपे कुछ किया नहीं जा सकता। पुचकुल हैप्पी सेकंड मंथ बर्थडे पुचू पुचू पुची। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूची। पूचू पूचू पूचू, ओए उठ उठ उठो, ओले उठो। तो गाइस ये क्या रोज ही ऐसे करता है, रोज उठता ही नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ चाय बना लूं, अक्षय जी भी बैठे इतने टाइम से, अभी कुछ एक्टिंग कर रहे थे। क्या हुआ, एक्टिंग नहीं हुआ क्या? आपके हाथ चला गया और मेरे हाथ बांस रहा है। So guys, चलो आज चाय बनाती हूँ आप लोगों के सामने। कैसे चाय बनता है मैं आपको बताऊंगी, चाय कैसे बनाते हैं। और ये हमारी सुबह की चाय शायद फट गई है, चाय फट गई। अदरक डाली गया, कुछ नहीं। सो गाइस आज का दिन ऐसे जा रहा है, इधर मेरा दूध उबल गया पूरा और इधर चाय मेरी बन रही है, चाय बन रही क्या बुक लगी वापस? तो अभी किचन का हालत बहुत ही ख़राब है, ये दूध है रात का, ये शायद रोटी बची होगी, इसमें खुलेगा नहीं। मैंने चने भिगोए थे तो मेरे चने भीग गए। और इधर बर्तन पड़े हैं, मैं कल रात को धो नहीं पाई क्योंकि मेरे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, बैक पेन हो रहा था, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। और कुछ नहीं हो सकता।
ले लेंगे लहसुन और इधर से तिल का लड्डू कमी। ये हमने यहाँ पे अदरक लहसुन और टमाटर की पेस्ट बना दी है और इधर इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है इलायची, काली मिर्च और लौंग और यहाँ पे ये बाजरे। इसको पूरा एकदम लाल लाल करना है, सेकना है, मतलब लाल लाल टाइप का। अब देखो भिंडी कितनी हरियाली दिख रही है। तो गाइस इधर ये मैंने भिंडी भाग दी अच्छे से, ये सॉफ्ट हो गए लगभग, मतलब इसके जो लार था वो ख़त्म हो गया है। और इधर मेरे मसाला पक रहा है, तो ये होते ही मेरे भिंडी की सब्जी विल गेट रेडी। और इधर पुष्कुल जी है, इधर अक्षय जी है। पुष्कुल जी ने पोटी कर दी, मैं आपको पोटी भी गाइस दिखाती हूँ। ये आजकल लिक्विडी फॉर्म में पोटी करने लग गया है, ये देखो। थोड़ा सा पोटी की, ज्यादा नहीं की इसने। अभी हमारा भिंडी की सब्जी रेडी है, अब आप इसको देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा हम क्या, आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा बटर डाल सकते हो ताकि आपको टेस्ट एनहांस हो जाए। और ये एक्चुअली मसालादार ही बनता है, एकदम मसाला के अंदर। अब इसको एकदम से बढ़िया से इसको मसाले को अब ड्राई करेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा डल गया मेरा, आप चाहो तो तेल कम डाल सकते हो। अब भिंडी की सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल तो रहता ही है, हम जितना भी चाहते हैं कि नहीं थोड़ा तेल कम करेंगे। आप थोड़ा गर्म मसाला भी ऊपर से डाल देना, मसाला में थोड़ा सा टेस्ट करूंगी। गाइस बिलीव नहीं मानेंगे, बहुत ही यम बनी है। नमक मिर्ची थोड़ा कम है, ऊपर से डाल देंगे और क्या। बढ़िया सा बन गया। सो गाइस ये बहुत मेहनत के बाद में ये दलगोना जैसा बना हुआ है। अब ये है दूध, दूध के पकड़ने के लिए ये रहा चिमनी, चिमनी नहीं चमटी। I love you.
पहले पानी चाहिए, पानी वाटर। खोलो गरम पानी लेके आ गए यार, आज ना दिया क्या हुआ इसे, थोड़ा ठंडा पानी। हाँ पत्ती उत्तम गया। अब आपको दिखाऊंगी मैं एक चीज जो अभी यहाँ पे जो लोग बोलते हैं हम बिल्कुल खाना नहीं खाते, वो आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बेबी आप 1.5 चम्मच ही खाए होंगे ना अभी तक, आधा चम्मच। अब स्टार्ट करूँगा। अच्छा, अब स्टार्ट ही कर रहे हैं। ओके सो गाइज, अभी तो मैंने आपको बताऊंगी मैं स्किन इतना ऑयली क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल लगाया हुआ स्किन। तो अभी अक्षय जी लेके तो आए हैं कॉफ़ी वगैरह सब कुछ, तो मैं आज कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी। आई विश कि कोल्ड कॉफ़ी मेरा अच्छा बन जाए। सो आप देखते रहिए। गाइस यही वो इंसान है जो अभी खा रहे। मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं कहाँ खाता हूँ, मैं कभी खाया ही नहीं, मैंने कभी जिंदगी में मैंने सोचा ही नहीं कभी खाना क्या होता है। सो हम कोल्ड कॉफी बनाने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया था मैंने गाइस पहले इसमें दूध जमा के और इसमें बर्फ जमा के रख दिया था पहले से। अभी थोड़ा सा पिघलने में टाइम लग रहा है। तो बहुत दिक्कत हो गया निकलने में, टाइम लग जाएगा। तो हम इसको आज थोड़ा सा हम इसको गरम कर देंगे, हमारे पास ऑप्शन है। और अपने पास में बर्फ को भी हल्का सा गर्म कर देंगे। ये भी निकलने में बहुत टाइम लग रहा है गाइस, और मेरे हिसाब से ठीक हो गया। ओके गुड 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 वॉच। हमने 1 ग्लास दूध लिया बर्फ जमाया हुआ, आधा ग्लास पानी और सेम वापस थोड़ा सा बर्फ। फिर एकदम से अपन को याद आता है कि अपने पास चीनी नहीं है, चीनी खत्म। अच्छा जी चीनी खत्म है, तो कृपया जाइए आप और चीनी लेते आइए। चीनी तो यहीं से मिल जाएगी, मैंने हिसाब से चीनी खत्म है। हाँ चीनी खत्म है, अभी अभी का बन जाएगा बस। वहां पे मेरी बेबी ने भी आवाज दे दी है कि भाई जल्दी आओ, बुला लिए। यहाँ पे आपको इतना सारा मेसी इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सीज भी राज कर रहे थे इस वजह से।
को पता है मैं बिल्कुल मैसी किचन नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा साफ सफाई में हमेशा मेरा नाम ऊपर ही रहता है कि पूरा साफ सफाई करती है। तो इसमें आप अपने मन के अनुसार डाल सकते हो इसको, ऐसा नहीं कम डालना ज़्यादा डालना, आप मन के हिसाब से कॉफ़ी डालो। मुझे तो अच्छा लगता है थोड़ा। थोड़ा सा ऊपर से कोल्ड कॉफी के ऊपर थोड़ा सा बॉर्नविटा, मुझे थोड़ा ज़्यादा बॉर्नविटा पसंद है, सो मैं बॉर्नविटा थोड़ा ज़्यादा डाल दूँ। मुझे ऐसी कोरा बॉर्नविटा बहुत पसंद है। तो ओ बेबी गाइस, ये अपने अक्षय जी के टेस्ट लाइक दलगोना। हाय एवरीवन, अभी मैं आपको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकती ना गुड इवनिंग बोल सकती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। अक्षय जी का फरमाइश है कि अभी खाना बनाना है। अब मैं रात को पूछा था शाम को कि कुछ बनाना है क्या, तो बोले कि नहीं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने सारे बर्तन वर्तन धो के अभी सोई थी। अब इधर ये जनाब भी इस टाइम पे उठ गए हैं लगभग। से हाय टू एवरीवन मोक्स बेटा, से हाय टू एवरीवन, हाय। और ये रहे अक्षय जी, इनको अभी आधी रात को मन कर रहा है खाने को। तो पति को भूख नहीं लग सकती है क्या? कैसे लग सकती है भूख, क्यों नहीं लग सकती? नो कमेंट्स। जब मैंने पूछा था खाना खाना है क्या बनाना है क्या, तब बोला था कि नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। उस टाइम नहीं लगी थी भूख, अब लग रही है भूख। अब लग रही है रात को 2 बजे, परेशान कर दिया। अभी मैं कैसे बनाऊंगी आधी रात को, बनाऊं क्या? घर पे कुछ है ही नहीं खाना बनाने के लिए। गाइस हम लोग अभी घर पूरा खाली कर रहे हैं, घर खाली ऐसे कर रहे हैं कि अभी हम मैं कहीं जाने वाली हूँ, मेरे पियर जाने वाली हूँ, तो इस वजह से घर खाली रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए क्या है, मैं अभी घर पर कुछ सामान भी नहीं रख रहे हैं। तो मैगी ले आओ फिर, अभी आधी रात को कहाँ कौन सी दुकान में जाओगे मैगी लेने, या तो चलो थोड़ा सा छोटा मोटा आउटिंग करके आ जाते हैं। नो कमेंट। खाना नहीं बनेगा? ठीक है, तो ये मैं बीप कर दूंगी। भूखा है ना, ना रात हो दिन हो उससे क्या रिलेशन है भूखा, भूख तो कभी भी लग सकती है। हाँ, इसको स्माइल भी कभी भी आ सकती है। गाइस ये है ना वीडियो देखता है, प्रॉपर देखता है,
जैसे वीडियो फोन जैसे घूमता है ना, ये वैसे ही घूमता है इसके आके। हाँ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये, ये कौन है? ये अरे अक्षय जी के शक्ल, ये देखो इनका शक्ल है, देखा आपने गाइस, ये इनका शक्ल है, ये शक्ल है इनका। हाँ लो ढंग से देख लो, ये इसको भूख लगी है, ये है शक्ल वाला आदमी जिसको भूख लगी है। और मुझे बिल्कुल अभी मन नहीं आधी रात, तो आपको सरप्राइज दे दो ना मुझे खाना बना के। दूध है, पनीर बना दो दूध को, फिर पनीर बनाने के बाद मैं पनीर की वो बना दूंगी ओट्स डाल के, ठीक है? पनीर ओट्स बना दो। नहीं